हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ अपने खेत। तो देख सकते हैं आप, इस खेत में लगे हैं अनार। तो अभी लगेगा टाइम इन्हें, तो हालांकि घास देख सकते हैं आप किस तरह बढ़ चुका है। यहाँ बरसातें लगी हुई हैं और घास की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये है ब्लैक एम्बर, ये इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये जो अनार है इनकी तो बच गई है बैंड। इस सेशन में भी काफ़ी पेड़ ख़त्म हो चुके, देख सकते हैं काफ़ी बर्बाद दी टाइम मेहनत, मतलब जब अब फ्रूट लेने का टाइम था इनसे तो वेल वी आर गेटिंग नथिंग। अबाउट 300 से ऊपर पेड़ थे ये, वो अब रह चुके हैं अबाउट 100 पेड़ के आसपास होंगे जो देंगे, बाकी तो ख़त्म है। तो फिलहाल आज ऐसी प्लानिंग है कि सेब निकालेंगे। कल के रेट भी अच्छा था, रेड लिम गाला जो अच्छा जो टॉप क्लास का माल था वो अबाउट 140 रुपीज़ पर केजी के आसपास गया। तो जो बाकी है आज थोड़ा थोड़ा लौट करके बेचेंगे, तो देखते हैं क्या बनता भैया। ये देख सकते हैं अनार, ये पेड़ भी इस साल ही है लास्ट, मुझे लगता है अगले साल को नमस्ते बोल देंगे ये भी। तो देख सकते हैं आप यहाँ काफ़ी पेड़ है, ये भी कितना बड़ा पेड़ था और सब सूख चुके हैं। ये भी देख सकते हैं आप मुरझा चुका है, पीले पड़ चुके हैं पत्ते, ये भी जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, तो कुंबरों की हालत देख सकते हैं आप, कुंबर ही फंस रहे हैं। तो यस, सेब नीचे वाले प्लॉट में, तो ये पिताश्री है लगे हैं निकालने, तो मैं भी आ गया हूँ। तो देख सकते हैं आपके सेब लगे हुए हैं। तो ये है आपके सीडलेस वैरायटी अनार की, ये भी कुछ लग नहीं रही मुझे। इसके बीच में प्लांटेशन हमने कर दी है इसकी, एप्पल की ही की हुई है, अभी छोटे हैं काफ़ी प्लांट, तो घास बहुत बड़ा हो चुका है तो दिख नहीं रहा है कुछ भी। तो देख सकते हैं यहाँ, तो निकालते हैं अब सेब। तो दोस्तों निकाल रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये है जेरोमाइन, तो काफ़ी हद तक निकाल दिया है, 4-5 क्रेट है, पानी भरी है। तो ये दूसरी जो वैरायटी है ये है आपकी रेडिलम गाला, तो इसका रेट भी ज़्यादा है, फिलहाल निकाल नहीं रहे इसे हम। अभी जो लास्ट फर्स्ट लॉट भेजा था जो इसका, तो जो ए ग्रेड माल था वो अबाउट 140 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से गया। जो बाकी है बी ग्रेड, तो वो आपका अबाउट 110-105 के बीच में गया हुआ। तो ये आपका जो जेरोमाइन है ये हाईएस्ट ही गया 110, और जो लीस्ट गया वो 90 रुपीज़ के आसपास, 80-90 के बीच में था। तो ओवरऑल ठीक है सेब का, लेकिन भाई वैरायटीज़ का बड़ा होता है पंगा। एक्चुअली जिस वैरायटी से जिसके थ्रू प्लांट्स लिए कुछ और ही लग गया है, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये जेरोमाइन बोला गया था, तो जो हमने जो परे जो जेरोमाइन लगाया उसका कलर देख सकते हैं आप, और इस प्लांट का जो मतलब एक्चुअली जो बेड है टोटल ओवरऑल पर ऐसे देख सकते हैं आप जो लगा हुआ है, इनमें कोई कलर ही नहीं आया फिलहाल, तो पता नहीं क्या फंडा है, कौन सी वैरायटी दे दी है बंदों ने। तो हालांकि जो आपका रेडिलम गाथा की बात करूँ, तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है इनका, तो मतलब ये थोड़ी जेन्युइन वैरायटी दी गई है, तो काफ़ी अच्छा है। इनमें देख सकते हैं पीछे वाले प्लांट्स में भी जूम करके दिखाऊँ मैं आपको, काफ़ी अच्छी तरह लगभग मतलब काफ़ी अच्छा है यार, फर्स्ट टाइम है हमारा, तो ठीक है ओवरऑल जो भी मिलेगा। तो फिलहाल तो ये 300 प्लांट है जो जिसमें कि 150 काफ़ी अच्छी तरह देने वाला है प्लांट है, तो लगाए गए अभी 400 और प्लांट भी, मतलब रख लीजिए आप 700-100 के आसपास, बाकी कुछ लगाने को रहे हैं। तो देखते हैं क्या है, वो चला है जो सिस्टम चला हुआ है हमारा, तो जो कल रेट मिलेगा लगेगा पता, तो मैं भी दिखाऊंगा आपको, तो अपडेट रहे। तो देखते हैं चलो आगे क्या क्या करते हैं अब। तो ये निकाल बैठे हैं सेब, तो निकल गए 10-12 क्रेट, तो चलते हैं इनकी ग्रेडिंग करने के लिए। ग्रेट जेरोमाइन और रेडलिम गाला, तो चलते हैं।
तो ये चलिए ग्रेडिंग। ये है साइज, पहले थोड़ा छोटा डाला जाता है, फिर बड़ा बड़ा, उस हिसाब से ग्रेडिंग होती है। सारी जगह ये सिस्टम है, तो अबाउट 12 ग्रेड के आसपास है। ये है 6-7 ग्रेड, ये है 4 परे हैं। लगे हैं तो करते हैं आगे काम पहले। तो दोस्तों लगी बारिश बुरी तरह से, अभी ग्रेड भी नहीं कर पाए थे ढंग से। मम्मी आ गए सामने से, तो बुरी हालत से बारिश चली हुई है। तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, ग्रेडिंग कर दी है बस, थोड़ी सी लगी थी। वैसे बड़ी कम बारिश आ रही है यहाँ पर, लेकिन आज अच्छी आई है, अभी स्टार्टिंग हुई है, अभी पता नहीं कितनी देर रहती है। वेट करना पड़ेगा अभी, क्या होता क्या नहीं, देख सकते हैं सीडलेस। जो बारिश का तो है भाई गेड़ा, बारिश रेन आम नहीं दे रही। अभी नहीं देखते हैं आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस टाइम अबाउट 2 इंच के आसपास पानी है, पॉलियो से आ रहा है सारा। टैंक को जा रहा है सीधा, यहाँ दिखाऊँ तो टैंक। बारिश लगी काफ़ी, थोड़ा फोन ना खराब हुआ है। ये भाई ये सिस्टम तो सही है, मतलब पानी बचाने का। वो देख सकते हैं पाइपें जो लगी है, पाइपों से डायरेक्ट टैंक को। तो दोस्तों मैं कल वीडियो कैरी नहीं कर पाया क्योंकि बारिश काफ़ी हो गई थी, फिर रात को कुछ भी नहीं हो पाया, तो मॉर्निंग में सामान ले गए तो डायरेक्ट ले गए थे। तो रेट जो मॉर्निंग में लगा है 120 रुपीज़ का रेडलम गाला लगा है, और 90 का आपका जर्माइन लगा है जो अच्छा माल था, बाकी 70 और 60 के बीच में रहा है ये आपका गोलियाँ छोटा जो माल होता है। तो अब इसने ठीक है, इतना रेट काफ़ी है क्योंकि अब माल भी आ रहा है, तो काफ़ी लोग स्टार्ट हो चुका है आना, और जितना अर्जली हो उतना ही जल्दी रेट्स में मिलते हैं। तो यही था आज का छोटा सा वीडियो, तो मिलते हैं नए वीडियो में, जो होगा वो भी अपडेट करता रहूँगा। तो अपना फेस रिवील कर दिया है मैंने, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्दी, तब तक ये टेक किया दोस्तों।